80% भी आ गए प्री बोर्ड में, तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में जो स्कूल मार्क्स भेजता है ना, उसमें से वो एक नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, गारंटी देता हूँ भैया। और ये भी बात तुम्हें आज खोल देता हूँ मैं, स्कूल का एक और सच एक्सपोज करने वाला हूँ आज, तुम्हारा ये 20 मार्क्स में से कितने मार्क्स मिलना ही मिलना। भाई देखो क्लास 10 वाली बच्ची पढ़ी, तो भाई अब तो दिवाली भी आ गई है, लेकिन साथ साथ में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स भी आपके पास चलते हुए आ रहे हैं। सर कहना क्या चाह रहे हो, आपके प्री बोर्ड आपके पास आ रहे हैं। सर प्री बोर्ड तो आ रहे हैं, लेकिन उसका 20 नंबर क्या लेना देना बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखो भाई हर स्कूल के अंदर ये लेना देना है, क्योंकि हर स्कूल में जो आपके पूरे के पूरे इंटरनल मार्क्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन पे। आपका सीबीएसई का जो रिटन पेपर होगा वो 100/100 का नहीं होता, 80 मार्क्स का होता है। 80 में से जो बचे हुए 20 मार्क्स हैं वो कहां से मिल रहे होते हैं, वो मिल रहे होते हैं आपको आपके स्कूल से। और वो स्कूल कहां से डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है भैया प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से। तो प्री बोर्ड की तैयारी जोरों शोरों से होनी चाहिए, और तभी आप जो होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, जो आपने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करा है कि हाँ जनाब हम जो होता है अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होंगे। वो प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए प्री बोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। देखो प्री बोर्ड है आपका, मतलब अप्रॉक्स में मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 60 डेज हैं प्री बोर्ड के लिए, ठीक है। अब कुछ बच्चों के पास और भी कम होंगे, 30 डेज होंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको वो प्लान मिलने वाला है, और वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मिलने वाली है, जिसे अगर आप फॉलो करते हो नेक्स्ट 30 या 60 डेज के लिए, आपके पास जितना टाइम है प्री बोर्ड तक, उतना टाइम तक इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ये वो स्ट्रैटेजी है जनाब, जिसमें आप जो होता है पूरा का पूरा बिना किसी देरी के आप पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं मिलेगी, आप जितने चाहो उसको फॉलो करो, जितना चाहो मत फॉलो करो, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूं मैं, आपको वो नहीं बताने वाला कि भैया 24 घंटे में से 52 घंटे कैसे पढ़ाई करें, ठीक है, वो मैं बात नहीं करूंगा। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, आर यू रेडी, लेट्स गो। हां जी, तो भैया 60 डेज का कंप्लीट प्लान टू स्कोर 98% मार्क्स, भैया ये है क्या ये 60 डेज का प्लान? अरे 60 डेज छोड़ो, तो हम इसे 30 डेज कर देते हैं, कोई परेशानी है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे 30 डेज कर दो। ये 60 डेज भी हो सकता है, ये आपका 30 डेज भी हो सकता है, एज डिपेंडेंट कि आपका बोर्ड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कब है। देखो भैया अब हमने जनरली डिसाइन इसको 60 डेज के लिए करा है, लेकिन भैया हम इसकी बात करेंगे कि अगर आपका 30 दिन में भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है तो आप इस प्लान के साथ कैसे जा सकते हो। देखो जनाब ये जो पूरा का पूरा प्लान है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जनाब इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले तो आपको रिसोर्सेज अपनी डिसाइडेड करना पड़ेंगी कि भाई आप किस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आपके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हो। तो सर रिसोर्सेज कौन कौन सी होने वाली है? भाई देख रिसोर्सेज हमारी 3 ही हैं इसके अंदर, मतलब प्री बोर्ड हो बोर्ड हो, अगर आप तुम मेरे चैनल से फॉलो करो बेस्ट है, ठीक है भाई। मैंने जितनी रिसोर्सेज प्रोवाइड करी हैं प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट्स ने पढ़ के उससे अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, तुम भी उससे पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो भैया वो रिसोर्सेज क्या हैं? देखो अगर अब आप लड़ाई में लड़ने जा रहे हो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की, आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, अगर आपके पास हथियार मजबूत है ना तो वो लड़ाई में तुम जीत जाओगे, ये तो पक्का गारंटी हो जाती है। तो भैया रिसोर्सेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख भाई हमने रिसोर्सेज क्या रखी है, देखो सबसे पहले है हमारे नोट्स, ठीक है, पढ़ाई एक मजा के नोट्स। देख भाई ये रहे नोट्स हमारे, और ये नोट्स के अंदर क्या है भैया, ये नोट्स पूरे के पूरे देख रहे हो, ये पूरे के पूरे वैसे नोट्स डिजाइन है आपके जैसे एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी पूरी इसमें कवर्ड है, और इसमें एनसीईआरटी को आसान भाषा में भी कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ वी आर नॉट कवरिंग एनसीईआरटी है, हमने इन नोट्स के अंदर भाई एनसीईआरटी को आसान भाषा में भी करा है, देख रहे हो तुम। ओवरऑल इसमें कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी हैं, मैं तुम्हें स्पेशल ट्रिक्स भी दिखा देता हूं, ठीक है। अगर हम साइंस के नोट्स की बात करें, आयरन मैन कहां आ गए, थैनोस सच्चा दिख रहे हैं इधर तो हमको, तो ये हमारी स्पेशल ट्रिक्स हैं जो इस नोट्स के अंदर मौजूद है। आप ये नोट्स सबसे पहले फॉलो कर रहे हो, कहां मिलेंगे ये चैनल ऊपर मिल जाएंगे कंप्लीटली, ठीक है, चैनल के ऊपर अभी मैं दिखा भी दूंगा कहां से मिलना है। दूसरी रिसोर्सेज है हमारा ये बाहुबली बैच क्लास 10, ठीक है, जो ये बैच चल रहा है ना, हमने इस बैच के अंदर क्या कराया आपका, 15 अक्टूबर से हमारा बैच चालू हुआ था, और हमने वादा कराया कि आपको हम 15 नवंबर या 20 नवंबर तक आपको पूरा का पूरा साइंस एंड एसएसटी इसके अंदर कवर करा देंगे। सर इंग्लिश हिंदी का क्या, अब इंग्लिश हिंदी हम 1.5 और 3 घंटे में कवर करा सकते हैं लास्ट में, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मेन परेशानी की बात क्या है, साइंस एंड एसएसटी जो कि हम कवर करा देंगे आपको आपका इस बैच के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल ये बैच है हमारा, इसमें दिवाली की छुट्टी वगैरह भी है, तो आफ्टर दिवाली हमारा ये पूरा का पूरा फुल फ्लो में चलेगा, ठीक है। तो आप देख भाई इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, 60 डेज में ये वाली हमारी एक जो होता है नोट्स हो गए, नोट्स वाली रिसोर्सेज होंगी हमारी, ठीक है। दूसरी हमारी ये क्या कहते हैं भैया बाहुबली बैच हो गया, तीसरा हमारे पास एनसीईआरटी होनी चाहिए टू कवर, ठीक है, एनसीईआरटी से हम उठा के कवर कर रहे होंगे चीजों को। अच्छा सर अब करना क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर याद रखने हैं। ये पॉइंट्स क्या है भैया, सबसे पहला पॉइंट आपको स्टडिंग आवर्स अपने डिसाइड करने हैं, आप दिन में 7 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ रहे होगे, ये बात मुझसे वादा करो,
ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दिन में 7 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ रहे होगे। सर 7 घंटे से ज्यादा मतलब हमारा तो स्कूल वगैरह भी चलता है, कैसे करके कवर होगा? हो जाएगा, ठीक है। 7 घंटे आप जो होता है मॉर्निंग में थोड़ा सा 3 घंटे का रूटीन बना सकते हो, इवनिंग में 3 घंटे का रूटीन बना सकते हो, काम निपट रहा होगा आपका, ठीक है। और स्कूल की 75% अटेंडेंस की ज्यादा चिंता में मत रहो। 75% अटेंडेंस इज नथिंग बट कि आपकी स्कूल की फीस फुलफिल होनी चाहिए। और बाय 30 दिसंबर आप प्री बोर्ड के बाद वैसे ही स्कूल जाना बंद करोगे, तब तो ये आराम से हो जाएगा कवर, ठीक है। ओके, प्री बोर्ड की मतलब डेट शीट जब आ जाए तब बंद कर देना जाना, ठीक है। अब आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स अडे उठाने हैं, इससे ज्यादा आपको सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद एक सिट आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 घंटे की होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम इससे ज्यादा आपको नहीं ले जाना है, और इससे कम भी कर सकते हो, लेकिन जो होता है मैक्सिमली अगर एक आइडियल टाइम बताओ तो 3 घंटे तो एटलीस्ट बैठ के पढ़ो, ठीक है। ओके, 3 घंटे कैसे पढ़ना है? लगातार बैठ के पढ़ना है नहीं, 3 घंटे में आपको 30-30-30-30 का रूल फॉलो करना है, 30-10-30-10-30-10 इस तरीके से। 1 चैप्टर अडे गोल बना लो अभी से, 1 चैप्टर अडे कवर करने वाले हैं हम लोग। देखो अगर तुम मेरी ये वीडियोस भी देखोगे तो केमिकल रिएक्शन इन 27 मिनट्स, एसिड बेस इन 33 मिनट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 25 मिनट्स, लाइफ प्रोसेस 42 मिनट्स, ज़्यादा टाइम के तो नहीं है ये, क्योंकि भैया ये वो वीडियोस हैं जिसमें हमने सारी चीज़ें बहुत क्रिस्प बताई हैं। ये वो वीडियोस हैं जिनको अगर आप देख लेते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में इनसे बाहर नहीं जाता है। इतना ही आप नोट्स को कर लेते हो, ये जो नोट्स हैं अगर आप इन्हें भी कर लेते हो, इन नोट्स से भी बाहर नहीं जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, आई गारंटी दैट। और ये आपके प्रीवियस वाले ईयर वाले बच्चों ने ये एक्सपीरियंस भी करा जो आपके सीनियर्स हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या, हमारा प्लान क्या है? देखो भाई 60 डेज का हमारा शेड्यूल, हमने कहा था कि 60 दिन में भी आप इसको रिवाइज करके फॉलो करोगे, लेकिन है ये 30 दिन का, ठीक है। देख भाई तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तो हमारा जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो किस पैटर्न में पढ़ने हैं, वो देखो इस पैटर्न में पढ़ने हैं आपको। सबसे पहले आपको जो होता है भैया डे नंबर 1 की बात करें तो आपको पढ़ना है साइंस एसएसटी इंग्लिश, फिर आपको नेक्स्ट डे पे पढ़ना है साइंस मैथ हिंदी, फिर नेक्स्ट डे पे पढ़ना है आपको मैथ एसएसटी इंग्लिश, साइंस एसएसटी इंग्लिश, साइंस मैथ हिंदी। इस तरीके से आपका जो होता है वो डेली वाइज रूटीन चल रहा होगा, ये जो होता है रिपीट करता रहेगा, ये रिकर इसी तरीके से करता रहेगा आपका टिल डे 30, 1 महीने के लिए पूरा का पूरा। अब इसमें करना क्या है भाई, इसमें तुम्हें कवर क्या क्या करना है, ये टिक्स काय पे लगानी, ये प्लान मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको जो होता है क्या कहते हैं, प्रिंट आउट निकलवाओ और अपनी वॉल पे चिपका दो इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हें कवर करना है एक लेक्चर, मेरा लेक्चर देख सकते हो, ठीक है भैया, बहुत बेस्ट है। और एसएसटी के मेरे जितने लेक्चर्स आएंगे अभी आपका बाहुबली बैच के अंदर, वो सारे सारे फुली एनिमेटेड होंगे। उसके बाद आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स कौन से पढ़ने हैं, मेरे नोट्स पढ़ सकते हो यार, या तो तुमने अगर अपने कोई बना रखे हैं देन इट्स द बेस्ट की तुम उन्हें फॉलो करो। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं सर? ओनली 10 क्वेश्चंस मिनिमम, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस करने हैं, मिनिमम 5 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन चैप्टर के जो तुमने पढ़ा है। ज्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस मत दो, अभी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। कहते मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 5 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें पीवाईक्यूज के, 5 साल के पीवाईक्यूज के 5 क्वेश्चन, यानी कि एक एक क्वेश्चन एक एक साल का उठा लेना, वो तुम कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा बैठना है और पूरा का पूरा चैप्टर एक बार अपने आगे खोलो चैप्टर को, और एक बार पेज पलटो फटाफट से, ठीक है, कि हाँ तुमने चैप्टर जो पूरा पढ़ा है वो तुम्हारी समझ में आया असल में, तुमने उसको जो होता है रीथिंकिंग करी ही नहीं करी, ठीक है। अपने आप से थोड़ा सा सवाल पूछ सकते हो कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, कुछ कर सकते हो अपने आप से। तो अगर वो चीज़ तुम्हारी कवर हो जाती है देन तुम यहाँ पे टिक लगा दोगे। और ये तुम्हें डेली फॉलो करना है, डेली फॉलो करना है, डेली फॉलो करना है, डेली फॉलो करना है टिल डे 30। अब डेली तुम ये भी चीज़ें देखते जाओगे कि ये तुम्हें जो होता है मुझसे प्रॉमिस करना है भैया इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ मैं ये चीज़ें कर रहा हूँगा। सबसे पहले आई वॉज लॉयल टू मी, क्या मैंने पूरे दिन सही से पढ़ाई करी, क्या मैंने जो होता है अपने से कोई गद्दारी तो नहीं करी, क्या मैं जो होता है किताबें खोल के इंस्टाग्राम की रील तो नहीं स्क्रॉल कर रहा था, ये तो मैं अपने से करना है। दूसरा, क्या मैंने अपना डेली गोल को कंप्लीट करा फुल डेडिकेशन से? करा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तुम यहाँ पे छोटे छोटे टिक भी ऐसे करके मार्क सकते हो, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे टिक भी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके अपने पेन से मार्क कर सकते हो कि हाँ डे वाइज हमारे टिक्स हो गए हैं। क्या मैंने अपना जो होता है कल के चैलेंज के लिए क्या मैं तैयार हूँ? हाँ मैं तैयार हूँ। मैं फुली मोटिवेटेड हूँ? हाँ मैं फुली मोटिवेटेड हूँ। मोटिवेशन लैक कर रहा है तो जो होता है थोड़ा सा अपने माँ बाप से जाके बात करो, भाग घूम के आओ, मोटिवेशन आना चाहिए, ठीक है। क्या मैं आज के अपने इस प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड हूँ? देखो कभी कभार ऐसा होता है कि हम अनसेटिस्फाइड होते हैं, सिर्फ इतना प्रोग्रेस भी अगर आप डे वाइज कर रहे हो 30 दिन में आपका सिलेबस फुली कवर हो जाएगा, आई यू गारंटी दैट, ठीक है। और जो होता है थोड़ा सा ग्रेटनेस भी सबको दिखानी चाहिए, टू गॉड, टू यूनिवर्स, टू योर टीचर्स एंड टू योर फैमिली, ओके। सबको जो होता है आपको ग्रेटफुल भी रहना है कि भैया वो लोग आपकी पूरी की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। ये प्लान वो प्लान है जनाब, अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो नेक्स्ट 30 डेज के लिए, अगर आपके आप प्री बोर्ड में ज़्यादा टाइम है तो इसी प्लान को रिपीट कर देना। ये वो प्लान है जनाब, आप वो प्लान है जो आपको प्री बोर्ड में एटलीस्ट एंड एटलीस्ट 90 तक पहुँचा देगा या 80+ तक पहुँचा देगा। 80% भी आ गए प्री बोर्ड में
तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में जो स्कूल मार्क्स भेजता है ना, उसमें से वो एक नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, गारंटी देता हूँ भैया। और ये भी बात तुम्हें आज खोल देता हूँ, मैं स्कूल का एक और सच एक्सपोज करने वाला हूँ आज, तुम्हारा ये 20 मार्क्स में से कितने मार्क्स मिलना ही मिलना है। देख भाई, 20 मार्क्स में से अगर मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि भैया 20 मार्क्स में तो मैं कितने मार्क्स मिलना ही मिलना है, आपके प्री बोर्ड में कितने खराब नंबर आ जाए, 20 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट एंड एटलीस्ट, ठीक है, 15 मार्क्स तो कंफर्म होते हैं, एटलीस्ट एंड एटलीस्ट हर बच्चे के, तुम्हारे क्लास का वो जो बैक बेंचर है, जो बिल्कुल गोबर है पढ़ने में, उसे भी 15 मार्क्स मिलने हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल को अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखना है, इसलिए वो मार्क्स देगा, ठीक है। अब तुम्हारा वो 5 नंबर की मेल लड़ाई होती है, ठीक है, तुम्हारे ये जो 20 मार्क्स है ना, इसका सबसे बड़ा सच यही है कि तुम्हारे ये 20 मार्क्स में से लड़ाई होती है 5 नंबर की, 15 तो मिलने ही मिलना है। वो 5 नंबर जिनके प्रीबोर्ड में नंबर अच्छे आते हैं उनको दे दिए जाते हैं, जिनके प्रीबोर्ड में नंबर खराब आते हैं उनको नहीं मिलते हैं। और ये 5 नंबर वो नंबर है जो तुम्हारी परसेंटेज में 5% का फर्क डालते हैं। तुम्हारी 90 आने वाली थी, 95 आएगी, 85 आने वाली थी, 90 आएगी, ठीक है, ये कोई 5 नंबर कम नहीं है, ओके। सारे सब्जेक्ट्स मिलके ये बहुत बड़ा फर्क डाल देते हैं उनकी परसेंटेज पे, समझे। तो अपनी तैयारी फुल एंड फुल रखो, तुम्हारा चैनल पढ़ाई एक मजा, तुम ओवरऑल देख सकते हो, ये आपका चैनल है पढ़ाई एक मजा, ये आपकी फुल एंड फुल हेल्प कर रहा है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। यहाँ पे हमारी ये वीडियोज वगैरह हैं, ओवरऑल नोट्स तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगे, चैनल पे जाओगे, चैनल के होम पेज पे विजिट करोगे, एंड देयर इज योर बेस्ट SST नोट्स एंड बेस्ट साइंस नोट्स, ठीक है, आपके नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जाओ जाके इसको डाउनलोड करो यार। मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो यार प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल, प्लीज एक सब्सक्राइब और एक लाइक टू दी चैनल, ठीक है। आपको आपका ये भाई मिलके जो होता है वो 95% हम लोग फोड़ने वाले हैं। इन दी कमेंट सेक्शन यार लिख दो भैया चैलेंज एक्सेप्टेड, और जो प्लान है उसकी भी PDF इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आई विल लोड इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।